आखिरी पड़ाव। सुंदर वन इलाके में रहने वाले ग्रामीणों पर हर समय जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। खास तौर पर जो युवक घने जंगलों में लकड़ियां चुनने जाते थे, उन पर बाघ कभी भी हमला कर सकते थे। यही वजह थी कि सभी पेड़ों पर तेजी से चढ़ने का प्रशिक्षण ले रहे थे। प्रशिक्षण गांव के एक बुजुर्ग दिया करते थे, जो अपने समय में इस कला में महारथी माने जाते थे, और आदर के साथ सब उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा कुछ महीनों से युवाओं के एक समूह को पेड़ पर तेजी से चढ़ने की बारीकियां सिखा रहे थे, और आज उनके प्रशिक्षण का आखिरी दिन था। बाबा बोले, आज आपके प्रशिक्षण का आखिरी दिन है। मैं चाहता हूँ आप सब एक बार इस चिकने और लंबे पेड़ पर तेजी से चढ़ उतर कर हमें दिखाएं। सभी युवक अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार हो गए। पहले युवक ने तेजी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, और देखते ही देखते सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। फिर उसने उतरना शुरू किया, और जो वो लगभग आधा उतर आया तो बाबा बोले, सावधान, जरा संभल कर, आराम से उतरो और कोई जल्दबाजी नहीं। युवक सावधानी पूर्वक नीचे उतर आया। इसी तरह बाकी के युवक भी पेड़ पर चढ़े और उतरे। हर बार बाबा ने आधा उतर आने के बाद उन्हें सावधान रहने को कहा। यह बात युवकों को कुछ अजीब लगी, और उन्हीं में से एक ने पूछा, बाबा हमें आपकी एक बात समझ नहीं आई। पेड़ का सबसे कठिन हिस्सा तो एकदम ऊपर चढ़ने वाला था, जहाँ पे चढ़ना और उतरना दोनों ही बहुत कठिन था। आपने तब हमें सावधान होने के लिए नहीं कहा, पर जब पेड़ का आधा हिस्सा उतर गया है और बाकी हिस्सा उतरना आसान था, तब आपने सावधान होने का निर्देश दिया। बाबा गंभीर होते हुए बोले, बेटे यह हम सब जानते हैं कि ऊपर का हिस्सा सबसे कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर हम सब खुद ही सतर्क हो जाते हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के समीप पहुँचने लगते हैं तो वह हमें बहुत ही सरल लगने लगता है और अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं, और इसी समय सबसे अधिक गलती होने की संभावना होती है। यही कारण है कि मैं तुम लोगों को आधा पेड़ उतर आने के बाद सावधान किया, ताकि तुम अपनी मंजिल के निकट आकर कोई गलती ना कर बैठो और अपने लक्ष्य को ना भूल जाओ। युवक बाबा की बात समझ गए, और आज उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। मित्रों, सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है, और ये सभी बहुत जरूरी है कि जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच जाएं, मंजिल को सामने पाएं, तो जल्दबाजी ना करें और पूरे धैर्य के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएं। बहुत से लोग लक्ष्य के निकट पहुंचकर अपना धैर्य खो देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण वे अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। इसलिए लक्ष्य के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर भी किसी तरह की असावधानी मत बरतिए, और लक्ष्य प्राप्ति के बाद ही दम लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे